सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं ऐलाने जंग। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 10वां दिन है। रूस लगातार अपने हमले तेज कर रहा है। वो अब बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के कीव और खारकीव में भारी तबाही हो चुकी है और अब रूस ने दो शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया है। क्या है पूरा मामला, कहां कहां पे हमला करने की फिराक में है रूस, देखिए इस रिपोर्ट में। रूस ने किया सीज फायर का ऐलान, दो शहरों में सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 10वां दिन है। रूस लगातार अपने हमले तेज कर रहा है। वो अब बड़े शहरों को निशाना बना रहा है। बड़े बड़े शहरों को निशाना बनाने के साथ यूक्रेन के कीव और खारकीव में भारी तबाही हुई है। तबाही के बीच रूस और यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की भी बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत के बाद भी रूसी सेना के हमले लगातार जारी रहे। दूसरी तरफ भारत की तरफ से ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की रेस्क्यू भी जारी है। वहीं अब रूस ने यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए दो जगहों मारियोपोल और वोल्वो नोखा में सीज फायर का ऐलान किया है। साथ ही ग्रीन कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया है। भारतीयों के निकालने की दिशा में अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये सीज फायर भारतीय समय अनुसार 11:30 बजे से लागू हो गया है। हालांकि इन दोनों ही इलाकों में भारतीयों की संख्या बहुत कम है, फिर भी शांति की दिशा में बढ़िया कदम कहा जा रहा है। माना जा रहा है यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे दौर की बातचीत के बाद इस कॉरिडोर को बनाने पर सहमति बनी थी। दूसरी तरफ वोल्नोवाखा में करीब 21,000 लोग हैं। हमले के बाद इन दोनों शहरों में पानी और बिजली की काफी किल्लत हो गई है। यूक्रेन में तापमान बेहद कम है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन नागरिकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने विभिन्न शहरों में 3,700 से अधिक भारतीय नागरिकों को जबरन बंधक बनाकर रखा। रूस ने यह भी कहा कि उसकी सेना विदेशी नागरिकों की शांतिपूर्ण निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत पिछले कुछ दिनों में कई भारतीय यूक्रेन से वतन वापस लौटे हैं, पर वतन वापसी के साथ उन्होंने यूक्रेन की भयानक स्थिति को बताया। साथ ही ये भी बताया कि देश में वापस आने के लिए उन्हें कई तरह की तकलीफों का भी सामना करना पड़ा। यूक्रेन से दिल्ली लौटे कुछ बच्चों ने इंडियन एम्बेसी पर भी गंभीर आरोप लगाए। हम सब कम से कम 1,000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएगा, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएगा। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और बाथरूम साफ करने वो पहले। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी ने। किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। सो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था। बहरहाल लगातार इतने खतरे के बीच भी फंसे हुए छात्र मुश्किलों को पार कर भारत सकुशल लौट रहे हैं। वहीं यूक्रेन की स्थिति अभी भी उतनी ही गंभीर है। रूस ने सीज फायर का तो ऐलान कर दिया है, ये भी माना जा रहा है कि सीज फायर को युद्ध विराम भी कहा जाता है। ये किसी भी युद्ध को रोकने का एक जरिया है, पर रूसी सेना फिर भी कीव और खारकीव में हमले कर रही है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।
युद्ध के 10 दिन बाद सीज फायर का ऐलान हो गया। ऐसा माना जा रहा है कि युद्ध अब रुक सकता है, लेकिन अभी भी रूस के हमले लगातार यूक्रेन पे जारी है। कब ये युद्ध थमेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो इस युद्ध में अपनी जान गंवा रहे हैं। हर एक अपडेट के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच